सबसे पहले बात MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की। अमेरिका से भारत को मिलने वाले MQ-9B ड्रोन आज भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच हस्ताक्षर होने जा रहा है और आज 32,000 करोड़ की इस डील पर मुहर लग जाएगी। इस सौदे के तहत भारत अमेरिका से 31 ड्रोन खरीद रहा है। इस पैकेज में कई तरह के सेंसर्स और घातक मिसाइलें भी शामिल है। इस ड्रोन के मिल जाने से चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 31 ड्रोन में 15 भारतीय नौसेना को और 8-8 ड्रोन सेना और वायुसेना को दिए जाएंगे, जिससे देश की सरहदों की निगरानी। अमेरिका का ये हथियार अब हिंद की सेना का सिपह सालार बनने को तैयार है। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है। करीब 32,000 करोड़ के इस रक्षा सौदे से भारत की तीनों सेनाओं को दुश्मन पर हमले का एक और अचूक हथियार मिलने वाला है। इस डील के लिए आज अमेरिका की सैन्य और कॉरपोरेट अधिकारियों की एक टीम और भारतीय रक्षा विभाग के सीनियर अधिकारी इस महत्वपूर्ण हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा लेंगे, जिसमें नौसेना प्रणालियों के संयुक्त सचिव और अधिग्रहण प्रबंधक भी शामिल होंगे। लेकिन ये रक्षा सौदा सिर्फ 31 ड्रोन की खरीद तक ही सीमित नहीं है। इस सौदे के तहत अमेरिका ड्रोन के रखरखाव में मदद तो करेगा ही, साथ ही भारत को स्वदेशी ड्रोन के निर्माण में तकनीकी सलाह भी देगा और निर्माण में भी मदद करेगा। यानी इस सौदे से भारत को अपने ही देश में घातक ड्रोन बनाने में मदद भी मिलेगी। इससे भविष्य में ड्रोन की जरूरत को हिंदुस्तान खुद ही पूरी कर लेगा। यह काबिलियत रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल भी बनेगा। इस सौदे के पूरा होने से हिंद महासागर क्षेत्र के साथ साथ पाकिस्तान और चीन से सटी ऊंची पहाड़ियों वाली सीमाओं पर भी भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन युद्ध के आसमान का ऑलराउंडर है। सर्विलांस और जासूसी के साथ ही ये ड्रोन बड़ी खामोशी से दुश्मन के ठिकानों को निस्तनाबूद कर सकता है। रिमोट ऑपरेटेड होने की वजह से ऐसे हमलों में किसी जवान की जान भी जोखिम में नहीं पड़ती है। प्रेडेटर ड्रोन की रेंज 1900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 36.1 फीट, विंग की चौड़ाई 65.7 फीट और ऊंचाई 12.6 फीट होती है। बिना हथियार के वजन 2223 किलो होता है। इसकी रफ्तार 482 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन 40 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है प्रेडेटर ड्रोन। प्रेडेटर ड्रोन आसमान का वो सिकंदर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। एक बार टारगेट पहचान ले तो ये उसे निस्तनाबूद करके ही दम लेता है। MQ-9B प्रेडेटर लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है, जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस रहता है। इस ड्रोन में 7 हार्ड पॉइंट होते हैं जिन पर मिसाइलें लगाई जाती हैं। इनमें 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं, जो हवा से जमीन पर सटीक हमला करती हैं। इसके अलावा 2 लेजर गाइडेड GBU-12 वेवे सेकंड बम भी लगाए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें ब्रिमस्टोन मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। ये ड्रोन 2,721 किलो की मिसाइलों के साथ उड़ान भर सकता है। भारत फिलहाल अमेरिका से जो 31 ड्रोन खरीद रहा है, उनकी तैनाती चेन्नई, गुजरात के पोरबंदर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और सरसावा में होगी। गोरखपुर और सरसावा बेस से चीन की सीमा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर निगरानी रखना आसान हो जाएगा। 31 प्रेडेटर ड्रोन में से 15 ड्रोन नौसेना को मिलेंगे और 8-8 ड्रोन थल सेना और वायु सेना के हिस्से आएंगे। कुछ ड्रोन को समुद्री सरहदों की निगरानी में लगाया जाएगा तो कुछ ड्रोन पाकिस्तान की सीमा के करीब भी तैनात रहेंगे। दुश्मनों से देश को महफूज रखने के लिए हिंदुस्तान अपने आसमानी सुरक्षा कवच को लगातार मजबूत बना रहा है। भविष्य की चुनौतियों को वक्त से पहले ही भांपते हुए हिंदुस्तान अपनी तैयारियां पुख्ता रखना चाहता है। इन्हीं पुख्ता तैयारियों की वजह से ही कोई भी दुश्मन देश हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय नौसेना ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। नौसेना ने पहला मल्टीपर्पज वेसल समर्थक लॉन्च कर दिया है। भारतीय नौसेना में कमीशन होने के बाद इस शिप का नाम INS समर्थक रखा जाएगा।
इस शिप नौसेना के बड़े युद्धपोत के लिए निगरानी समेत कई तरह के काम करेगा। इसका उपयोग बड़ी संख्या में उन स्वदेशी हथियारों, उपकरणों और सेंसर्स के लिए किया जाएगा। चिंगा सवाल हमारे अग्रिम पंक्ति के सैनिक करते हैं, तो भारतीय नौसेना की इस उपलब्धि समेत कई मुद्दों पर हमने नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से खास बातचीत की। देखिए जीएनटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त दुनिया भर में जो युद्ध और तनाव के हालात हैं, इस बीच भारतीय नौसेना अपनी मारक क्षमता को लगातार बढ़ाने का काम कर रही है। आज भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में पहला मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च किया है कट्टुपल्ली में। हमारे साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या मकसद है मल्टीपर्पज वेसल को लॉन्च करने का? यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमने कट्टुपल्ली शिपयार्ड जो एलएनटी का है वहाँ पर अपना फर्स्ट मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च किया है, जिसको हम नाम देंगे समर्थक जब ये कमीशन होगा। तो जैसा कि मल्टीपर्पज वेसल का नाम है, ये वेसल मल्टीपर्पज है जो कि कई चीजें कर सकता है अपार्ट फ्रॉम जो एक नेवल शिप कर सकता है वो तो करेगा ही। उसके अलावा जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे चाहे डीआरडीओ हो चाहे कई और बाकी लोग नए वेपन सेंसर इक्विपमेंट डेवलप करते हैं, उनकी ट्रायल्स के लिए सी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, वॉरशिप प्लेटफॉर्म्स की। तो कई बार हमको अपने फ्रंट लाइन कॉम्बेटेंट देने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ एट सम कॉस्ट, दैट इज़ वो अपना जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं और फिर उनको ट्रायल्स के लिए कई दिनों तक उसमें रहना पड़ता है। तो मल्टीपर्पज वेसल एक तो वो काम करेंगे, दूसरा ये कई इस तरह के काम करेंगे जैसे कि टारगेट टोइंग एट सी में हमें प्रैक्टिस फायरिंग करनी है, तो चाहे वो सरफेस हो चाहे अंडर वाटर हो, कई तरह के टारगेट टो कर सकते हैं। तीसरा है कि जो ये मदरशिप बन सकते हैं जिससे कि वो अनक्रूड या अनमैन्ड वेसल्स हो, चाहे वो सरफेस में यूएसबीज हो, यूयूवीज हो, इन फ्यूचर वो हो अपने ऊपर रख सकते हैं और फिर समुद्र में जाके इनको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह के और साले बहुत सारे जो काम हैं जो कि हमारे आज तक फ्रंटलाइन वॉरशिप करते थे वो ये करेंगे, जिससे कि हमारे फ्रंटलाइन वॉरशिप अपना वो काम कर सके जो उन्हें करना है, उनको सस्टेनेंस प्रोवाइड करेंगे, उनको रीच प्रोवाइड करेंगे, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे नेवल ऑपरेशंस में। हमने देखा कि भारतीय नौसेना लगातार हर मोर्चे अपनी ताकत को बढ़ा रही है। हाल में सरकार ने प्रीडेटर ड्रोन को भी मंजूरी दी है, उससे कितनी बड़ी मदद सर्विलांस के मोर्चे पर आपको मिलेगी? देखिए, आपको पता है कि हमने करीब 4 साल से 2 हेल आरपीएस अनआर्म्ड लीज पे ले रखे थे कोको मॉडल में, कंपनी ऑपरेटेड कंपनी ओन्ड। नाउ जो ये नया जो अभी सीसीएस ने अप्रूवल किया है 31 प्रीडेटर्स का, ये 16 जो है वो लैंड यूज के लैंड बाउंड्री में तो, और 15 है वो समुद्र के लिए हम लोग के लिए नेवी के लिए। ये बहुत ही बड़ी कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मैरिटाइम सर्वेलेंस। एक और फ्रंट है अगर हम अंडर वाटर की बात करें, क्योंकि भविष्य की तरफ हम देखें तो अंडर वाटर यानी कि सबमरीन की ताकत को बढ़ाना जरूरी है, उस पर भी काफी काम हो रहा है, सरकार ने उसको लेकर भी मंजूरी दी, उस बारे में क्या बताना चाहिए? बिल्कुल सही आपने बोला है कि ये 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान अप्रूव किया था और उसके तहत काम चल रहा है। जो फर्स्ट ट्रांच ऑफ सबमरीन थी OP-75 थी, उसकी लास्ट सबमरीन अब ये इस साल के अंत तक डिलीवर हो जाएगी और बाकी हमारे और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं अभी इस वक्त जो कि वेरी फाइनल स्टेजेस में है, जिससे कि हमारी कैपेबिलिटी में और एनहेंसमेंट होगा। आपका काफी फोकस मेक इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भरता को लेकर भी है, उस फ्रंट पे कितनी तेजी के साथ काम हो रहा है, ऐसे कौन से नए सिस्टम जो आत्मनिर्भरता की तरह देश में बनकर नौसेना को मिलेंगे? अभी हमारे देश में 63 सरफेस शिप्स और सबमरीन अंडर कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो DPSU में हो, चाहे PSU में हो, चाहे वो प्राइवेट शिपयार्ड में जैसे LNT में आपने देखा। इसके अलावा हमें अभी 7 आधुनिक प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के अंदर जो हमारे मल्टीपर्पज स्टेल्थ फ्रिगेट हैं उनकी भी मंजूरी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अभी मिली है।
अगर हम अपने आसपास के हालात देखें, हमारे दोनों समुद्री मोर्चों पर, साउथ चाइना सी की बात करें या फिर पाकिस्तान फ्रंट की बात करें, पाकिस्तान को काफी, हालांकि आर्थिक तौर पर उसकी हालत खराब है, लेकिन चीन की तरफ से बहुत उसकी नौसेना को मजबूत बनाया जा रहा है, उस चैलेंज को या आसपास के जो चैलेंज उनको कैसे आप देखते हैं? देखिए, पहले पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम लोग आश्चर्य है एक्चुअली यहाँ पर कि जिसकी जिस देश की इकॉनमी फॉल्टरिंग है और जहाँ पर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोन की बात करते हैं, उनकी नौसेना कैसे इस तरह से तेजी से, बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रही है। चाहे वो आप 8 सबमरीन ले लें जो चाइना दे रहा है उनको, चाहे वो कॉर्वेट्स ले लें, चाहे वो फ्रिगेट्स ले लें, चाहे वो एयर डोमेन में ले लें, चाहे वो वॉर वेपन्स में ले लें, लॉन्ग रेंज वेपन्स में ले लें, तो पाकिस्तानी नौसेना है वो काफ़ी मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे चल रही है। तो हमें ये आश्चर्य की बात की पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो माय गेस इज एज गुड एज योर्स। एंड एज फार एज जो चाइना एज ऑफ नाउ, बट वो चैलेंज है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इंडियन ओशन रीजन में अगर कोई भी एंटर करता है तो हम उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। बहुत धन्यवाद। नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी का साफ कहना है कि इस वक्त दुनिया भर के जो हालात हैं उन पर भी नौसेना बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए है और उसके साथ ही अपनी हमारा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम भी कर रही है। कैमरामैन अल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड की कमान अब एक नए हाथों में आ गई है। तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक एस परमेश को नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोमवार को एस परमेश को इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने चार्ज संभाल लिया है। आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। महानिदेशक एस परमेश ने परेड की सलामी मिली। एस परमेश भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक बने हैं और अगस्त महीने में पूर्व महानिदेशक राकेश पाल के निधन के बाद से वे अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। To take over as the Director General of the Indian Coast Guard. It's an onerous responsibility which I intend to discharge to the best of my abilities. I intend to follow an inclusive approach for the overall growth and progression of the Indian Coast Guard. The three key pillars with which I intend to progress the Coast Guard on all fronts are probity, transparency, and objectivity, which was enunciated by our Honorable Prime Minister from the ramparts of the Red Fort during the speech last year. On the maritime arena, close collaboration and cooperation with the Indian Navy and the Marine Police will be a sine qua non for me to ensure that all facets of maritime security are well addressed. एस परमेश ने अपने 3 दशक के लंबे करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उनके पास उपलब्धियों से भरा एक पेशेवर इतिहास है और उन्होंने अपने सभी कार्यभारों को पूरी क्षमता से अंजाम दिया है। एस परमेश नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विलिंगटन के पूर्व छात्र हैं। एस परमेश नेविगेशन और डायरेक्शन में विशेषज्ञ हैं। उनकी समुद्री कमान में ICG के सभी प्रमुख जहाज शामिल हैं जिनका उन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। इन जहाजों में एडवांस्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल समा और ऑफशोर पेट्रोल वेसल विश्वस्त शामिल है। एस परमेश को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और 2012 में महानिदेशक तटरक्षक प्रशंसा पत्र से सम्मानित भी किया गया था। और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में सर्दियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। रात में ठंड का एहसास हो रहा है लेकिन इस बदलते मौसम में चिंता हवा में घुलते प्रदूषण को लेकर बढ़ गई है। GNT लगातार साफ हवा के लिए मुहिम चला रहा है। हमारी कोशिश यही है कि जिस साफ हवा पर आपका हक है वो आपको मिले, लेकिन अभी जो हाल है उससे साफ हवा दूर की कौड़ी नजर आ रही है। अभी की बात करें तो उत्तर भारत के तमाम शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। दिल्ली की बात करें तो बीते दिन यहां AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 दर्ज किया गया, जबकि पड़ोस के गाजियाबाद में भी हवा का स्तर बेहद खराब रहा। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 के करीब दर्ज किया गया और
इसी के बाद अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा की तो यहां भी लोग साफ हवा के लिए संघर्ष करते नजर आए। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 के करीब रहा। और इसके बाद अगर नोएडा की हम बात करें तो नोएडा में हवा की गुणवत्ता 268 के आसपास रही, यानी कि AQI 268 रहा, जबकि मेरठ भी साफ हवा के लिए संघर्ष करता नजर आया। मेरठ में कल शाम AQI 228 के आसपास देखा गया। तो उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर भारत के तमाम शहरों में हवा की हालत पतली है, ये हमने आपको पहले भी बताया, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर हवा की गुणवत्ता का पैमाना क्या है। चलिए इसे भी जल्दी से समझते हैं। हवा को मापने का पैमाना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अमूमन 0 से 50 AQI को अच्छी हवा का पैमाना माना जाता है। अगर AQI 51 से 100 के बीच में हो तो समझा जाता है कि हवा की हालत ठीक है। 101 से 200 AQI को मध्यम श्रेणी का माना जाता है, जो बीमार लोगों के लिए ठीक नहीं है। अगर हवा का AQI 201 से 300 तक पहुंचता है तो उसका मतलब है कि हवा खराब है। 301 से 400 के बीच AQI का मतलब है हवा बेहद खराब है, जबकि 401 से 500 AQI को बेहद गंभीर कहा जाता है। दिल्ली में सरकार की कोशिश यही है कि हालात खराब नहीं हो और हालात बिगड़ने से पहले ही चीजों को संभाला जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली सरकार एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रही है, जिसमें CM आतिशी के साथ दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय शामिल होंगे। सर्दियों की दस्तक के साथ ही राजधानी पर एक बार फिर जहरीली हवा का साया मंडराने लगा है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में तो AQI 300 के पार था, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। हवा में घुलते इस जहर पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में पटाखों पर 1 जनवरी तक पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही राजधानी में ग्रैब के पहले चरण की पाबंदियां भी लागू कर दी गई है। आज से 1 जनवरी तक दिल्ली के अंदर पटाखों के उत्पादन, भंडारण और जो वितरण है, उसका उपयोग है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे सभी लोगों से अपील है कि हम सब लोगों को जो पोल्यूशन के सोर्स हैं, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो जो पोल्यूशन के सोर्स हैं, हम सब मिलकर के उसको नियंत्रित करेंगे, उतना ही दिल्ली के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। हवा में घुलते जहर को कम करने के लिए दिल्ली में ग्रैब 1 के साथ 27 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत निर्माण कार्यों में धूल की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाना होगा। सिविक एजेंसियों को नियमित रूप से कूड़ा उठाने का निर्देश दिया गया है। सड़कों की नियमित रूप से मशीन से सफाई की जाएगी। धूल रोकने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। लैंडफिल साइट में आग रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। गाड़ियों के PUC की कड़ाई से जांच होगी। कोर्ट के नियम के मुताबिक पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगेगी और होटल और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के हालात का जायजा लेने के लिए सोमवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पीतमपुरा के एक कंस्ट्रक्शन साइट का जायजा लेने पहुंचे। इस साइट पर मिली कुछ खामियों के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया। अगर दिल्ली में वायु प्रदूषण के हालात नहीं सुधरते हैं तो सरकार और सख्त कदम उठाने के लिए भी तैयार है। कि अब तेजी से टेम्परेचर डाउन होने वाला है, तो ज्यो ठंड बढ़ेगी तो जो पोल्यूशन के कण जो हवा में वायुमंडल में फैलते हैं वो नीचे आएंगे, और इसीलिए उस समय जब मौसम प्रतिकूल होता है तो हमारे पास एक ही हथियार है कि जो सोर्स हैं, चाहे डस्ट पोल्यूशन के लिए हो, चाहे व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग हो, इसको कैसे कम किया जाए, उसी अभियान को सरकार लेकर के आगे बढ़ रही है। कि जैसे अभी तक जो शक्ति थी कंस्ट्रक्शन पे इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब हमें जरूरत शक्ति करने की। जो गाड़ियां प्रदूषण फैलाने वाली घूम रही हैं, उन पे अब सख्ती की जरूरत है। सरकार अब उन पे सख्ती करेगी। जो जगह जगह बायोमास बर्निंग होती है उस पे सरकार सख्ती करेगी, क्योंकि अगर हम सोर्स को, मौसम को तो नहीं हम बदल सकते, लेकिन सोर्स को लिमिट करना, ये हमारी रणनीति है, जिसके तहत सरकार 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान के तहत काम करती है। सर्दियों के मौसम में दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं वायु प्रदूषण की समस्या को और बढ़ा देता है। प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को अपनी सेहत की फिक्र सताने लगती है। दम घोटू हवा बड़ों के साथ साथ बच्चों की सेहत पर भी बुरा असर डालती है। जानकारों की माने तो कुछ सावधानियां बरतकर वायु प्रदूषण के बुरे असर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण बढ़ने पर बाहर जाने से बचें। बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क का प्रयोग करें। सुबह की सैर से परहेज करें। AQI खराब स्तर पर है
तो बच्चों को बाहर खेलने ना भेजें। घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। AQI पर नियमित तौर पर नजर बनाए रखें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। घर में हवा शुद्ध करने वाले पौधे रखें। वायु प्रदूषण के खिलाफ इस जंग में सरकार ने भी जनता से पूरा सहयोग करने की अपील की है। सरकार की कोशिशों के साथ अगर जनता की जागरूकता वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने का प्रयास करे तो सर्दियों के मौसम में भी राजधानी को सेहतमंद सांसों की सौगात मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से खास बातचीत की है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय। सर, रेस्ट्रिक्शंस लगने की शुरुआत हो गई है, एक तरफ ग्रैप वन तो दूसरी तरफ पटाखों पे ब्लैंकेट बैन, क्या कुछ प्रतिबंधित होगा दिल्ली में अब से? देखिए, अभी चूंकि पिछले 3 महीने बाद पुअर कैटेगरी में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है, उसको देखते हुए जो CAQM का ग्रैप वन है वो लागू हुआ है, जिसमें मुख्य तौर पर अभी जो इसके सोर्सेज हैं जिससे प्रदूषण के स्तर बढ़ते हैं, चाहे वो डस्ट का पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग का है, व्हीकल पोल्यूशन है, इनको जो है कंट्रोल करने के लिए ये नियम लागू किए जा रहे हैं। उसमें मुख्य तौर पर डस्ट को कंट्रोल करने के लिए तो दिल्ली में हम लोग पहले से एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं, और साथ ही साथ जो बायोमास बर्निंग के लिए अलग अलग व्हीकल पोल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए उसमें तेजी लाई जाएगी। उसमें खास तौर से जो कोयले पर जो जलने का है उसको प्रतिबंधित जो किया जाएगा। दिल्ली के बाहर जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, वहाँ पर जो है 24 घंटे बिजली सप्लाई करने की बात हुई है, क्योंकि वहाँ जनरेटर चलते हैं। जो भट्ठों का पोल्यूशन है उसको रोकने की बात हुई है इसमें। उसी तरह से दिल्ली के अंदर और बाहर सभी जगहों पर एक प्राइमरी स्तर पे जो जो सोर्सेज हैं उसके लिए सक्रियता से अब काम करने के लिए निर्देश दिए गए। तो कुल मिला के दिल्ली के अलावा NCR के राज्यों पे भी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सर कल जब पटाखों पे बैन लगा तो बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी नीति है। जब अरविंद केजरीवाल जेल से निकले तब खूब पटाखे फोड़े गए, लेकिन जब हिंदुओं को दिवाली मनाना है तो ये बैन लगा दिया गया। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नए परिदृश्य में चीजों को समझने की जरूरत है। देखिए, हमारी कोशिश क्या है कि जो त्योहार हैं हिंदुओं के उसको धूमधाम से मनाया जाए। त्योहार का मकसद है खुशियां, लेकिन त्योहार के अवसर पे पटाखों को जलाने से अगर हमारे बुजुर्गों की जिंदगी भी खतरे में पड़ती है, बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ती है, तो मुझे लगता है कि उसमें हमें नए सिरे से सोचने की जरूरत है और ऐसे रास्ते अपनाने की जरूरत है कि लोगों की जिंदगी पे खतरे ना आए और धूमधाम से त्योहार भी मनाया जाए। मुझे लगता है कि वो लोग भी अगर गंभीरता से थोड़ा सा सोचेंगे तो उनको भी ये दृश्य दिखेगा कि कैसे सब लोग मिल करके त्योहार भी धूमधाम से मनाए और लोगों की जिंदगी भी बचाए। तो साफ हवा के लिए GNT की मुहिम जारी है। हमारी कोशिश है कि साफ हवा जो आपका हक है वो आपको मिले। दरअसल साफ हवा हमारी बुनियादी जरूरत है। तमाम आंकड़े बताते हैं कि साफ हवा ना मिलने का असर हमारी उम्र कम कर रहा है। कुछ दिन पहले AQI ने एक रिपोर्ट जारी की थी और जिसमें देश के तमाम शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की उम्र कम हो रही है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो दिल्ली में लोगों की उम्र 11 साल 9 महीने तक कम हो सकती है। तमाम रिसर्च में बात सामने आ चुकी है कि वायु प्रदूषण गंभीर बीमारियों की वजह बन रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक देश की 40% आबादी ऐसी है जिसके अब तक साफ हवा का हक हासिल नहीं हुआ है। तो आपको अब बता दें कि प्रदूषित हवा में PM2.5 की मात्रा बढ़ना खतरनाक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का खतरा इससे बढ़ जाता है और पल्मोनरी इन्फेक्शन के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा अस्थमा के अटैक ज्यादा तेजी से आते हैं। इसके साथ साथ बता दें PM2.5 बढ़ने से फेफड़ों में कैंसर की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि बहुत घातक होता है। हृदय प्रणाली और वाहिकाओं पर प्रदूषण का खास और बुरा असर पड़ता है। प्रदूषण के चलते दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। लीवर और इंसुलिन उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
तो एक तरफ साफ हवा का संकट और दूसरी ओर दिल्ली का ये प्रदूषण से भरा माहौल, मौसम का अब करवट बदलता हुआ लिहाज, रात का पारा अब डाउन हो रहा है और सुबह हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते दिल्ली का तापमान और नीचे भी आ सकता है। अगर उधर यूपी बिहार में बारिश का सिलसिला समाप्त हो चुका है तो मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिन तक मौसम साफ रहने की संभावना बनी रहेगी। फिलहाल पूरे यूपी बिहार में ठंड की आहट होने लगी है। मौसम विभाग की माने तो 20 अक्टूबर के बाद यूपी बिहार में ठंड दस्तक दे सकती है। देखते तो क्या होनी, उसके लिए अल्टरनेटिव कपड़े पहन लेते हैं हम, बट उसका जो जो फीलिंग होती है बड़ी कंपैरेटिवली समर से बड़ी अच्छी होती है और ये बड़ा अच्छा एक प्लेजेंट मौसम लग रहा है आज। नहीं, थोड़ा सा अभी महसूस नहीं हुआ है पॉल्यूशन, पर संभावना ये की जाती है कि दीपावली के बाद पॉल्यूशन हो जाता है। मौसम में सर्दी स्टार्ट हो गई है, हवा भी चल रही है, प्रदूषण भी है। मॉर्निंग वॉक निकल रहे तो खैर ठंड तो शुरू होगी थोड़ा थोड़ा थोड़ा, प्रदूषण पे आंखों में मिर्ची भी लग रही है बहुत ज़्यादा। लाइक देयर सो मच ब्रीजेज इन द एयर एंड बहुत ज़्यादा ठंड है, बिकॉज मुझे लगा था कि बाइक से बहुत नॉर्मल होगा, बट बाइक से आई मैं तो मुझे बहुत ठंड लगी। एंड हाँ, बहुत ठंडा मौसम है, अच्छा सा लग रहा है। इट्स जस्ट दैट कि दीपावली से पहले ही काफ़ी सारा पॉल्यूशन है तो बहुत स्मोकी है वेदर। सो या, जंगलों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व से गुड न्यूज आई है। सरिस्का में इन दिनों बाघों की अच्छी साइटिंग हो रही है। सफारी के दौरान सैलानियों को शावकों का दीदार भी हो रहा है। आसपास के कई राज्यों से लोग बाघ और शावकों को देखने के लिए सरिस्का आ रहे हैं। सरिस्का में रोजाना करीब 550 सैलानी सफारी के लिए आ रहे हैं और सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नए रूट्स पे भी सफारी शुरू करने की तैयारी चल रही है। सरिस्का प्रशासन पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए जरूरी कदम भी उठा रहा है। और अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसे आप जादू कह सकते हैं। दरअसल ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जो आपके रोम रोम को आनंद से भर देंगी। ये तस्वीरें गुजरात के आनंद के खेड़ा की है, जहां गौवंश के इलाज के लिए ये बांसुरी वादक अपनी मुरली के तान छेड़ रहे हैं। यहां ये कहा जा रहा है कि बांसुरी की धुन सुनकर बीमार और अशक्त गायें स्वस्थ हो जाती हैं और ज्यादा दूध देती हैं और लंबे वक्त तक बीमार नहीं होती। ये सब कैसे हो रहा है और इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, इस पर हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं आखिर ये सब कैसे किया जा रहा है। तो मुरली की तान और गायों का संबंध पुराना है। वेदों में भी लिखा है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और गायों के बीच जो कड़ी थी वो बांसुरी थी और उसे निकलने वाला सुरीला संगीत था, जिसे सुनकर वृंदावन में गायें दौड़ी चली आती थी। और अब मुरली की तान की ये ताकत और शक्ति आज देखने को मिल रही है, जहां करण ठक्कर जब बांसुरी बजाते हैं तो उसकी धुन सुनकर गंभीर घायल और बीमार गायें स्वस्थ होने लगती है। साइंस की भाषा में इसे म्यूजिक थेरेपी कहा जाता है, जिसके परिणाम खेड़ा में देखने को मिल रहे हैं। करण ठक्कर ने अपने पिता नरेश ठक्कर को बांसुरी की धुन बजाकर गाय को ठीक करते देखा था, जिससे प्रभावित हुए और अब करण भी 9 साल से गौशाला में जाते हैं और बांसुरी की धुन बजाकर गौवंश का इलाज करते हैं। वो बताते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग धुन बजाई जाती है, हालांकि वो सबसे ज्यादा वृंदावनी सारंगी राग बजाते हैं, जिससे गौवंश के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं बांसुरी वादक करण ठक्कर से हुई खास बातचीत। बहुत सालों पहले मेरे फादर ने शुरुआत की थी। हम लोग जब भी रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो पूरे नेचर वाला जो भी इलाका है वहाँ पे हम लोग जाते थे और वो टाइम पे जो भी यहाँ पे वो गौ चराने वाले लोग हैं वो सब वहाँ पे होते थे। तो मेरे फादर तब से वैसे माहौल में प्रैक्टिस करते थे और मैंने उनको ज्वाइन किया 8-9 साल पहले। मैं भी लाइक 10-12 साल 15 साल पहले से बजाता हूँ, लेकिन एज ए प्रोफेशनली और प्रॉपर बजाना मैंने 8-9 साल से स्टार्ट किया उनके साथ।
क्यों ऐसा लगा कि फ्लूट से ये रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं? एक्चुअली फ्लूट है वो बांसुरी जो है वो कृष्ण भगवान सालों पहले हमने सुना है, स्टोरीज में सुना है कि वो बजाते थे. तो गाय और बांसुरी उनका जो नाता है वो सालों से चला आ रहा है. और जब भी हमने कहीं पे भी फ्लूट बजाई, कहीं पे भी बांसुरी हमने बजाई, तो हमने देखा कि गाय जो है वो नेचुरली कनेक्ट हो रही थी फ्लूट के वॉइस से. एक किस्सा है उसमें, एक गौशाला में एक गाय का जो बछड़ा था वो मर गया था. तो वो किसी को अपने पास नहीं आने देती थी और जो भी वहाँ पे जाए उसको वो मार के भगाती थी. पर मुझे पता नहीं था तो मैं सिर्फ बांसुरी लेके अंदर निकल गया. उसका वीडियो भी शायद अवेलेबल है. तो मैं गया और गौशाला के बाहर जो भी वहाँ पे जो गौपालक थे वो सब वहाँ पे टेंशन में खड़े थे कि ये अंदर गया लेकिन वो गाय के पास क्यों जा रहा. और मुझे नहीं मालूम था कि वो ये वही वाली गाय है. पर मैं बजाते हुए वहाँ पे गया, वो गाय ने मुझे कुछ नहीं किया, बहुत लोगों को मारा हुआ था उन्हें. और फिर मुझे लाइक ऐसे मुझे उनका बछड़ा समझ के मुझे चाटने लगी और मैं जब बांसुरी बजा रहा था और उसके बाद वो टोटली नॉर्मल हो गए. तो वैसे बहुत सारे अलग 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 हमने लाइक किस्से बने हैं जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि गौ माता के बीच में हम लोग बांसुरी बजाएं. कहते हैं कि संगीत वो कला है जिसे बेजुबान भी समझता है. ऐसा ही नजारा इन दिनों गौशाला में देखने को मिल रहा है. म्यूजिक थेरेपी से गाय को ठीक किया जा रहा है. दरअसल पशुओं को एक ही जगह पे बांध कर रखने से वो तनाव में आ जाते हैं और ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते, बीमार भी जल्दी पड़ते हैं. रिसर्च के मुताबिक पशुओं को संगीत से रिलैक्स फील होता है, इसलिए पशुओं को तनाव मुक्त रखने के लिए संगीत और भजन का सहारा लिया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं. संगीत थेरेपी का अनूठा प्रयोग और इसके परिणाम बेहद सकारात्मक देखे गए हैं. इससे पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, साथ ही पशुओं में अधिक चारा खाने की क्षमता में बढ़ोतरी भी हुई है. और रिसर्च में कई जगह संगीत थेरेपी से पशुओं के दूध उत्पादन में इजाफा हुआ है. यानी संगीत जैसे इंसान को सुकून देता है, ठीक उसी तरह पशुओं को भी सुकून देता है. और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं फतेहपुर की. फतेहपुर में एक मजदूर की टॉपर बेटी को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया. इस छात्रा ने उत्तर प्रदेश बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया है. फतेहपुर जिला प्रशासन ने मिशन शक्ति के तहत इस होनहार बिटिया को एक दिन की जिलाधिकारी बनने का मौका दिया. एक मेधावी छात्र के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा अनुभव था. फतेहपुर जिले में आंशा विश्वकर्मा को सफलता का पुरस्कार एक दिन का डीएम बनाकर दिया गया. आंशा ने यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है. फतेहपुर में मिशन शक्ति के तहत एक मजदूर की इस होनहार बेटी को जिला अधिकारी की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला. अच्छा लग रहा है और ये मेरे लिए बहुत. क्या करना चाहती है आगे? सर मैं आगे चल के एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूं. बतौर डीएम आंशा ने जनता की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए जरूरी कदम भी उठाए. इस दौरान डीएम और एसडीओ ने आंशा का मार्गदर्शन किया. आज एक दिन की सांकेतिक रूप से जिलाधिकारी के रूप में भी हमारे जनपद की एक होनहार छात्रा को यहां पर बैठाया गया है जो एक दिन की जिलाधिकारी बनी है. जो आपने भी देखा उसी के तहत एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये रहती है कि जो भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए, योजनाओं का लाभ उन तक त्वरित रूप से पहुंचाया जाए. उसी के क्रम में लोगों के द्वारा आज आपके समक्ष भी अपनी शिकायतें प्रस्तुत की गई. आपने फिर उनको सुना अच्छे से और उनके निस्तारण के भी आदेश दिए गए. फतेहपुर जिला प्रशासन के इस कदम की हर तरफ खूब सराहना हो रही है. एक होनहार बिटिया को एक दिन का डीएम बनाने का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना भी है. फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे. यूपी के फतेहपुर में मजदूर की बेटी को डीएम बनते देखा आपने, लेकिन अब यूपी के मऊ में आपको बताते हैं कि एक दिन की डीएम की कहानी. यहां एक एसिड अटैक सर्वाइवर काजल यादव को एक दिन का डीएम बनाया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया. मऊ के वर्तमान डीएम प्रवीण मिश्रा ने महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है. काजल एक दिन की डीएम बनकर बेहद खुश दिखी और उन्होंने इसे अपना सपना को पूरा करने जैसा बताया.
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुद पे बहुत गर्व हो रहा है। मैं आगे के लिए जो सोची हूँ बनने के लिए, उसके लिए तो अभी टाइम लगेगी, लेकिन आज के लिए मैं, सर मुझे यहाँ पे बुलाए, इनवाइट किया, आज के लिए मैं बनी हूँ। आगे मैं भी आईएएस बनूँ और बहुत लोग के मैं हेल्प करूँ। और सबसे पहले सोच बदलना चाहती हूँ कि हर लड़की सब कुछ कर सकती है। अगर मैं भी हार जाती तो और लड़की लोग के कोई हारने के लिए कोई थी नहीं रहता, इसलिए मैं बनना चाहती हूँ आईएएस, इसलिए कि सबको हिम्मत बन सके। अगर ऐसे लड़की बन सकती है तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक्टर की सुरक्षा पे अब मुंबई पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सलमान खान को वाई प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है और एक पुलिस स्कॉट वाहन अब सलमान खान के वाहन के साथ चलता है और सभी हथियारों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित एक कांस्टेबल भी उनके साथ रहता है। सूत्रों का ये भी कहना है कि सलमान खान जिस भी इलाके में शूटिंग के लिए जाएंगे, वहां के स्थानीय पुलिस स्टेशन को उनके ठिकाने के बारे में अलर्ट किया जाएगा और पुलिस की एक टीम शूटिंग लोकेशन पे नजर रखेगी। महाराष्ट्र के पनवेल में सलमान खान का फार्म हाउस है, उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फार्म हाउस के अंदर और बाहर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक फेसबुक पोस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि उसने सिद्दीकी को सलमान खान से करीबी होने के चलते निशाना बनाया है। सलमान की सुरक्षा को लेकर उनके पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा कैसे सुरक्षा करते हैं, सुनते हैं उनसे। क्राउड का चैलेंज होता है सबसे बड़ा। हाँ। क्योंकि सब लोगों को मिलना है, चाहे वो एज लिमिट कोई नहीं है, एक स्टार की कोई एज लिमिट, इसको एज लिमिट नहीं, बच्चे से लेके वो छोटा बच्चा भी आएगा, वो डांस करेगा दबंग दबंग दबंग, और बड़े भी हैं सब, तो भाई को जो प्यार करने वाले उनके कोई एज लिमिट नहीं है। एक डेकोरम तो मेंटेन करते हैं ना सबके लिए, मिलते सबसे हैं, फोटो खिंचानी है तो हिसाब से, तभी सिक्योरिटी रहती है पूरी, तो हिसाब से हम अरेंज करते हैं सब कुछ। पर लाइफ को भी रिस्क होता है कभी कभी, है ना। उस टाइम पे तो इतना नहीं था, शुरू से फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और आज की तारीख में तो आप देखते हैं कि वाई प्लस सिक्योरिटी भाई को थ्रेट व्रेट भी है, तो हिसाब से तो अभी मुश्किल है बहुत काफी भाई। और अब बात आस्था और अध्यात्म की। साल 2025 में लगने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हैं। इसके लिए संगम नगरी प्रयागराज को सजाया सवारा जा रहा है। मेला क्षेत्र में दीवारों पे सनातन संस्कृति से जुड़ी पेंटिंग्स की जा रही हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारी। संगम नगरी में लगेगा आस्था और आध्यात्म का मेला। साल 2025 में संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं और मेला क्षेत्र को सजाया संवारा जा रहा है। यहां दीवारों और घरों पर वॉल पेंटिंग्स की जा रही हैं। हम इस वक्त मेला प्राधिकरण में हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे पूरी जो वॉल है वो धार्मिक हो गई है और यहाँ पर धार्मिक तरीके से साधु संतों की तस्वीरें बनाई गई हैं और आरती जिस तरह से की जा रही है वो यहाँ पर दर्शाया गया है और पूरे इस एरिया को सजा दिया गया है और शहर में भी रंग रोगन का काम किया जा रहा है। संगम नगरी में महाउत्सव से पहले सनातन संस्कृति की झलक भी नजर आ रही है। भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ी तस्वीरों के जरिए मेला क्षेत्र को मनमोहक बनाया जा रहा है, जो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। पिछले गत कुंभ 2019 में भी हम लोगों ने ये शहर को इसके मेले के निमित्त तैयार करने के निमित्त एक पेंट माई सिटी अभियान चलाया था, उसी को और आगे बढ़ाते हुए महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत हम लोग प्रयागराज शहर के सौंदर्यीकरण की तरफ आगे बढ़ते हुए इसमें हम लोगों ने पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत की है और काफी जगहों पर आप देख रहे होंगे वॉल बिल्डिंग्स बन रही है। संगम नगरी को सजाने संवारने के लिए दूसरे राज्यों से भी कलाकारों को बुलाया गया है, जो दिन रात मेला क्षेत्र को सुंदर बनाने में जुटे हुए हैं। 2025 का जो कुंभ मेला होने वाला है उसके लिए हम जो है तैयारियां कर रहे हैं और शहर को सजा रहे हैं और यहां पर जो भी पेंटिंग्स बन रही है वो देवी देवताओं को लेकर, साधु संतों को लेकर, गंगा का कॉन्सेप्ट लेकर के हम यहाँ पर सारी पेंटिंग्स कर रहे हैं और सजा रहे हैं शहर को। इस बार महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान से होगी और समापन महाशिवरात्रि के दिन होगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाउत्सव को भव्य
और ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान शख्सियत की कही बातें। डालते हैं नजर आज के विचार पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो धरती की सतह को साफ और चमकदार बना देती है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।